चल अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं और जात और धर्म के नाम पर जो हो रहा है वो तो अभूत है और उसके आधार पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें हस्तक्षेप की जरूरी लगती है अब यूपी में जो हो रहा है प्रचार प्रसार की क्या हासिल किया है मोदी सरकार ने ही नहीं, नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पोल खोल करना जरूरी है और ये सब खत्म करके केवल एक केंद्रीकरण विकास में ही नहीं राजनीति में जिसको फासिज्म कहा जाएगा हुकुमशाही कही जाएगी वो लाने वाली सरकार जब आज दिल्ली के तख्त पर बैठी है तब उनके सामने चुनौती खड़ी करना जन आंदोलनों की राजनीति का भी अपना अपना हिस्सा होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन मनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान अगर रोजगार बढ़ाने तो गांधी जी के नाम पर चलो तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ संविधान देखो इस देश की परंपरा देखो आजादी क्यों लाई गई? मंगल पांडे और अबेदुल्ला साथ में क्यों लड़ गए इसीलिए ना कि इस देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार मिले, वो संविधान लिखा हुआ है पर आज न गरीबों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार न ही स्वास्थ्य का अधिकार ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर रहे हैं और ये जंगले कंपनियों को जंगल दे रहे हैं, ऐसे हिंसक प्रवृत्ति के लोग हम नहीं मानते हम मानते हैं गांधी जी को हम मानते हैं बाबा साहब को हम मानते हैं मौलाना कलम आजाद जी को हम हर धर्म को मानते हैं जो हिंसा का पथ मनाने के खिलाफ है तो लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे गोरखपुर न्यूज़ लाइन और सीसीए चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है हमारे साथ अभी जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर जी हैं जो शायद किसी भी परिचय की मोहताज नहीं हैं मेधा जी बहुत-बहुत आपका स्वागत सीसीए में मेधा जी आप अभी यूपी चुनाव के सिलसिले में यहां पर आए हैं उत्तर प्रदेश में क्या आप एस के एम की तरफ से यहाँ पर आए हैं और क्या संदेश लेकर आए हैं एस के एम तरफ से मतलब संयुक्त किसान मोर्चा के समिति के सदस्य होते हुए और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय भी है हमारा नर्मदा बच्चा आंदोलन भी है हमारा श्रमिक जनता संघ भी है तो किसान मजदूर सभी को मुद्दे जो उठाने पड़ रहे हैं आज जो लड़ने पड़ रहे हैं वो संसद बाह्य जन आंदोलनों की राजनीति के द्वारा तो हम उठा ही रहे हैं लड़ी रहे हैं जीत भी रहे हैं कई मुद्दों पर और कई मुद्दों पर हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनकी नुमाइंदगी करने वाली सभी सरकारें देश के किसानों मजदूरों को बर्बाद कर रही है जनतंत्र और संविधान पर हमला कर रही है तो इन तमाम मुद्दों को रखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत ज़रूरी है ये संदेश देना भी हमें जरूरी लगता है और जात और धर्म के नाम पर जो हो रहा है वो तो अभूत है और उसके आधार पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें हस्तक्षेप की जरूरी लगती है मेरा जी आप कह रहे हैं कि ये जात और धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही है और अन्य स्तर आर्थिक स्तर पर भी एक बहुत बड़ा आप कह रहे हैं हमला हुआ है सरकार की तरफ से लोगों पर आम लोगों की जिंदगियों पर आप यहाँ उत्तर प्रदेश में आई हैं कई जगह जनसभाएं कर रहे हैं Uh, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह की बातें आप लोगों के बीच में रख रहे हैं रिस्पांस तो मतलब कई बड़ी आम सभाएं आयोजित करने के लिए या कराने के लिए मैं नहीं आई हूँ लेकिन आपके जैसे के द्वारा तो और बड़ी संख्या में पहुँच सकती है बातें लेकिन ज़रूरी है कि जहाँ जहाँ ऐसे लोग जो जन आंदोलनों से जुड़े हैं वो चुनाव में उतरे हैं वो चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग उनके क्षेत्र के लोगों को ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ कानून कानून बदलने की साजिशें और ये देश के टुकड़े टुकड़े करने की साजिशें क्या है और जबकि यूपी जैसे राज्य में बड़ी संख्या में जीत लाकर देश के सरकार सत्ता में कौन सी होगी ये तय करती है तब यूपी में जो हो रहा है प्रचार प्रसार कि क्या हासिल किया है मोदी सरकार ने ही नहीं, नहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी पोल खोल करना ज़रूरी है जबकि हम लोग लॉकडाउन में देखते रहे महाराष्ट्र में आए हुए यूपी के एक एक जिले के बहराइच के बलिया के कानपुर के फैज़ाबाद के बांदा के हर क्षेत्र के आजमगढ़ तक के सभी मजदूर वापस कैसे लौटाए हम लोगों ने ये हमें ही मालूम है और वही फिर से वापस आए तो यहाँ रोजगार नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जिसमें हमारी केस सर्वप्रथम शामिल थी यही आदेश था संदेश नहीं केवल कि रोजगार दिलाया जाए लेकिन वही लोग फिर से वापस क्यों गए और फिर भी योगी सरकार घोषित कर रही है कि हमने लाखों रोजगारों का निर्माण किया और यूपी में आज भी कई सारे पदों की भर्ती बाकी है और पद भर्ती जो करते हैं उसमें भ्रष्टाचार भी जारी है तो ये सब चीज़ें संदीप पांडे जैसे कईयों ने उठाई है और उन रोजगार के संदर्भ में जब हम लोगों को लोगों तक सही बात पहुंचानी है तो ये भी पहुंचानी है कि कुल देश में आज बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारों की आत्महत्याएं पिछले एक साल में एक लाख तिरपन हज़ार की संख्या में हुई है तो किसानों की आत्महत्या खेती पर भी सबसे ज़्यादा रोजगार निर्माण निर्भर है खेती भी वो अलग अलग प्रकार से ख़त्म कर रहे हैं घाटे का सौदा रख कर खेती बेचने या भूमि अधिग्रहण भी करने की ज़रूरत नहीं इस प्रकार से खेती छीनने ये विकास के नाम पर हो रहा है तो हम लोगों को किसानों की हालात मजदूरों की स्थिति और बेरोजगारी पर जो भी वायदे किए थे मोदी सरकार ने या योगी सरकार ने वो पूरे नहीं हुए हैं ये बात लोगों के सामने लाने की जरूरत लगती है मेरा एक और भी सवाल है कि पिछले पाँच सालों में हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो शायद किसी सरकार में नहीं देखी है कि कोई विरोध प्रदर्शन पर उतर रहे हैं तो उनके पोस्टर बैनर लगा रही है सरकार जिसको कई लोग मानते हैं कि एक कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरी तरह से हनन था आप क्या मानते हैं कि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इसकी भी एक चेतना है क्या इन मुद्दों पर भी एक आ, क्यों मुजफ्फरनगर में जैसे या मेरठ में जहां सीए के विरोध में जो लोग उठे वहां घर के अंदर पुलिस जा जा के रात को तोड़ फोड़ मचाई बहुत ऐसे स्तर पे जो शायद कभी देखा नहीं था इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि इसके खिलाफ़ भी वोट जाएंगे ऐसा है कि यूपी जैसे राज्य में पुलिस बल पर ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी ये नारा नहीं संकल्प की बेहद बहुत ज़रूरत है और ये इसलिए कि मुजफ्फ़रनगर और मेरठ में जब हत्याएं हुई तब जाकर हमने जो फैक्ट फाइंडिंग किया तब भी हमने देखा कि गुजरात की हिंसा या दिल्ली की हिंसा से ही उसकी तुलना हो सकती है और निरपराध लोगों पर इस प्रकार से हत्याकांड चलाना ये एक इनकी वोट बैंक बनाने की साजिश रही है और इसीलिए आज 2014 से जो जो कानूनों का उपयोग हुआ है एक राष्ट्रद्रोह का नाम लेकर कहीं नागरिकता के आधार पर नागरिकता अल्पसंख्यकों को नकार कर यू कानून जैसे कानून लाकर सामाजिक कार्यकर्ताओं को ही नहीं जना आंदोलनों को दबाना और अल्पसंख्यांक जो उनके हिंदुत्ववादी एजेंडे को नहीं मान सकते हैं उनको एक प्रकार से छाटना उनकी प्रॉपर्टी जब्त करना उनको दबा के और डरा के रखना ये एक साजिश है और यूपी में ये सबसे ज़्यादा चली है महिलाओं पर अत्याचार भी सबसे ज़्यादा यही हुए हैं 22 प्रतिशत देश के कुल अत्याचारों में दलितों पर अत्याचार भी सबसे ज़्यादा यही हुए हैं पच्चीस प्रतिशत जो 2019 का डेटा बताता है पर साथ साथ अल्पसंख्यकों पर इन्होंने जो अत्याचार किए हैं मेरठ और मुजफ्फरनगर में हमने देखा संपूर्णता निरपराधी लोगों पर इन्होंने अत्याचार किए तो सी एन पी आर एन आर सी जैसे मुद्दे पर तो सीधे सरल कभी नहीं उतरी थी रास्ते पर ऐसी महिलाएं केवल बुरखा लेकर नहीं तो एक सपना लेकर उतरी और वो ने जो छा रही थी आसमान में उन्होंने अपनी ताकत से उस समय तो सरकार को छुटाया झुकाया आज किसानों ने सरकार को झुकाया है पर किसान आंदोलन के ख़िलाफ़ भी इन्होंने लखीमपुर खीरी जैसे जो प्रत्यक्ष हिंसा की या हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी खलिस्तानी कहकर अप्रत्यक्ष हिंसा की बदनामी के द्वारा और जगह जगह पर उन्होंने जिस प्रकार से आरएसएस के नुमाइंदों को अंदर घुसा कर टिकरी बॉर्डर पर तीन महिलाओं को ट्रक के नीचे कुचलकर जो हिंसा की वो सब इनका हिंसक एजेंडा का हिस्सा है तो जात पात लिंग भेद और वर्ग भेद के तहत ये हिंसा को ही अपनाते हैं वो उनका बड़ा हथियार है और जब हम लोग गांधी के अहिंसा और सत्य के पथ को मानते हैं यहाँ आज कोई गांधी नहीं है मोदी विरुद्ध गांधी की लड़ाई में निश्चित हम लोग गांधी के साथ हैं तो ये ज़रूरी है यहाँ के मतदाताओं के जागरण में मुद्दा लाना क्योंकि अस्तित्व के मुद्दे नकारने के लिए ये अस्मिता के मुद्दे लाते हैं और अस्मिता को उछालने के लिए ये हिंसक बन जाते हैं तो ये पूरी जो साजिशें हैं उसको किसान आंदोलन ने भी भुगता है यहाँ के सभी जन आंदोलनकारी भुगते हैं ऐसा कोई दूसरे राज्य में इतने हद तक आंदोलनकारियों को दबा के रखना यहाँ से वाराणसी से हमारे कार्यकर्ता दिल्ली आना चाहते थे सीतापुर से हमारी कार्यकर्ती रिचा सिंह दिल्ली पहुँचना चाहती थी तो अंगन में पुलिस बताकर घेर लेना तो आज जरूरी है कि योगी सरकार को और मोदी सरकार को भी अंगन में जनशक्ति बिठा कर हाउस अरेस्ट करके रखना जी आप काफी सालों से जन आंदोलनों में रही हैं नेतृत्व दिया है बहुत बड़े जन आंदोलनों को बहुत महत्वपूर्ण जन आंदोलनों को और उस वक्त कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं बाकी पार्टियों की भी सरकारें रही हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं लेकिन आ, उन सरकारों में और इन सरकारों में जब आप जन आंदोलन करते हैं तो क्या फ़र्क आप महसूस करती हैं फ़र्क यही है कि ये तो संवादहीन है संवेदनहीन भी है और कुछ भी कहे संविधान के किसी भी अधिकार को कोई भी सरकार को चलती है नकारती है तो जन आंदोलन के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं करता है दलीय राजनीति की अपनी ताकत है लेकिन मर्यादा बहुत है और समझौते के बिना सत्ता में आना मुश्किल है सत्ता टिकाना मुश्किल है और सत्ता के लिए जो चंदा कंपनियों से लेना है उन कंपनियों को लूट की छूट दिए बिना सत्ता हासिल करना मुश्किल है ये जो दलीय राजनीति की आज की स्थिति है और वो मूल्यहीनता हर जगह दिखती है उसमें भी भाजपा की जो खासियत है वो उनके परिवार तक ही संवाद सीमित रखने की है उनकी खासियत ये भी है कि वो बस धर्म जाति हर प्रकार से विभाजित करके आंदोलनों को खत्म करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अन्य किसी भी सरकार के इतना भी संवाद नहीं हो सकता है ये हम इनके बारे में देखते हैं और वो संविधान को मानते नहीं हैं वो समाजवाद को मानते नहीं हैं वो शब्द प्रस्तावना से भी हटाना चाहते हैं वो सर्वधर्म समभाव को मानते नहीं हैं तो उनके साथ संवाद हमारे जैसे को मुश्किल होता है और वो चाहते ही नहीं कि हमारे जैसे के साथ संवाद हो जाए तो हम लोग देखते हैं कि दलीय राजनीति को अगर चुनौती देनी है तो संसद बाह्य जन आंदोलनों की राजनीति के द्वारा ही देना संभव होता है और ये आज किसान आंदोलन ने साबित करके दिखाया है जिन श्रमिकों के पक्ष के उनतीस कानून अब वापस लिए हैं चार कमजोर कानून संहिताओं के नाम पर थोपे जा रहे हैं उन श्रमिकों को भी उसी प्रकार से जैसे संयुक्त किसान मोर्चा लड़ा वैसे लड़ने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ भी जो धोखाधड़ी हुई है नौ दिसंबर को जो लिख के दिया है उसके खिलाफ़ भी केवल संयुक्त किसान मोर्चा ही नहीं लड़ेगा नहीं। पर हर राजनीतिक दल को भी हम लोग ऐलान भी करेंगे और चुनौती भी देंगे कि आप बताइए आपके क्या कहना है पचास हजार किसानों के खिलाफ इन आंदोलन के दौरान डाली हुई केसेस जो झूठे अपराधी प्रकरण हैं उसको वापस लेने के लिए हम साथ में हमारे साथ आप खड़े होंगे कि नहीं संपूर्ण एमएसपी हर फसल को प्राकृतिक उपज को दूध को भी वनोपज को भी और मछली को भी हर अनाज फल सब्जी को और पहाड़ी अनाज को भी देने के पक्ष में कानून जिसका मसौदा हमने डाल के रखा है 2018 से लोकसभा राज्यसभा में उस पर आपकी हस्ताक्षर है इक्कीस पार्टियों को हम यही कहेंगे तो क्या उसके लिए भी इस चुनाव के एजेंडा में भी आप लोग शामिल करेंगे ये मुद्दे कि नहीं और वादा खिलाफी मोदी जी ने 9 दिसंबर के बाद भी की है नहीं। नहीं। शहीदों को श्रद्धांजलि तो नहीं दी लेकिन मुआवजा भी मंजूर के नहीं दिया है नहीं। तो क्या इस पर भी राजनीतिक दल अपना संपूर्ण कड़ा संकल्प लेकर एजेंडा में लाकर अगर ये सत्ता में आए यानी सत्ता बदली तो उसको पूरा करेंगे कि नहीं इस पर मतदाताओं मतलब के सामने जवाब देना जरूरी है ये भी हमारी उनको भी चुनौती है जरूर मेरा जी मेरा आखिरी सवाल आपने कहा जन आंदोलनों की आज भी बहुत जरूरी है दलीय राजनीति से लड़ने के लिए और मेरे ख्याल से हमेशा रहेगी एक लोकतंत्र में एक जो मेरे ख़्याल से क्योंकि हम लोग भी पश्चिम यूपी में ही काम करते हैं एक बड़ी एक एक बड़ी ऐतिहासिक चीज़ हुई है एक जन आंदोलन से कि किसान आंदोलन के बाद जो नौ साल पहले एक वहाँ पर इतना बड़ा एक दंगा हुआ था आज वो किसान जो धर्म के नाम पर अलग हुए थे वही एक मंच पर वापस आए यहाँ तक कि कुछ लोगों ने माफ़ी तक मांगी उस दंगे के लिए मुझे नहीं पता कि उससे इंसाफ मिलता है कि नहीं लेकिन कम से कम एक नई शुरुआत जरूर थी भारत के इतिहास में आज़ाद भारत के इतिहास में ये इसको क्या मतलब जहाँ पर बहुत निराशावाद भी कई लोगों में हुई थी खास करके इस सरकार के आने के बाद लेकिन इस तरह के जन आंदोलन से एक नई ऊर्जा ज़रूर आई है आप इसको कैसे देखते हैं क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इन जन आंदोलन से जो इतनी सारी दरारें हमारे समाज में आई हैं खास करके पिछले पाँच दस सालों में जो आई हैं दरारें क्या उसमें फिर से आप लग रहे हैं कि कुछ ये जन आंदोलन फिर से उसको कुछ एक, एक एक पुल का काम कर पाएगी जरूर, नहीं ज़रूर किसान आंदोलन ने एक निराशावादी माहौल में एक उजाला लाया है और वो जब गाजीपुर बॉर्डर में मैं थी और अचानक मुजफ़्फ़रनगर के मुस्लिमों का पूरा समूह वहाँ पहुँच गया तो मैं मंच पर ही थी और भाषण ही दे रही थी और मैंने उसी समय जो कहा वो आज भी मन भर है कि जब मुजफ्फरनगर और मेरठ की हत्याओं को देखने जांचने के लिए हम गए थे तब ऐसा लगा था कि इससे कैसे उभर पाएगा मुजफ्फरनगर लेकिन मुजफ्फरनगर महापंचायत में केवल वो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा उठा इसलिए नहीं।, नहीं पर लाखों की तादाद में जो शामिल हुए वो न हिंदू न मुसलमान खुद को देखते थे मानते थे ये बात निश्चित दिखाई दी और यही बात अन्य राज्यों में भी दिखाई दी जब हम देखते थे कि नंदीग्राम के संघर्ष में भी वो राधा रानी अड़ी और सुलेमान भाई एक साथ लड़ते थे तब कभी ये खयाल नहीं आया था कि नंदीग्राम में केवल वोट बैंक के लिए वही शुभेंद्र अधिकारी जो उस समय नंदीग्राम के संघर्ष में भी शामिल दिखाई देते थे वो हिंदू मुस्लिम के रूप में वोट लेने की पूरी साजिश चलाएंगे। पर ये निश्चित कि बंगाल में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने जो हस्तक्षेप किया तो जन आंदोलनों की राजनीति सीधे सरल दलीय राजनीति में नहीं भी उतरे लेकिन दलीय राजनीति को अचूत भी नहीं मानते हैं तो कहाँ कितना उतरना है अपनी ताकत को कमज़ोर करने की दिशा में कभी भी दलीय राजनीति में नहीं उतरना चाहिए जहाँ हम ताकत दिखा सकेंगे वहीं उतरना चाहिए जिस प्रकार से प्रचार करना होगा जिस प्रकार से जनशक्ति आंदोलन में हम जुटाते हैं वैसे जुटाने की कोशिश तो करनी चाहिए ये सब समझ कर हम लोग तय करते हैं हमारा जो जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है वो खुद चुनाव नहीं लड़ता है पर जो संयुक्त किसान मोर्चा हो या जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय हो जब एक अलायंस होता है एक समन्वय होता है तो हर एक अंदर के संगठनों को आज़ादी होती है और अधिकार होता है अपना अपना निर्णय लेने का कोई पंचायत राज के स्तर पर लड़ता है कोई संसदीय स्तर पर लड़ता है पर हम लोगों ने देखा है और इस किसान आंदोलन ने फिर से जो आज़ादी आंदोलन की बात थी जो गांधी जी ने भी खुद पार्टी के सदस्य न होते हुए जिस प्रकार से जनशक्ति जुटा के रखी और एक बहुत व्यापक विचारधारा आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन की ही नहीं सामाजिक सद्भाव की भी देश को देकर ही वो चले गए शहीद हो गए तो आज भी यही जरूरी है इसलिए 715 शहीद होकर किसानों ने मजदूरों ने पशुपालकों ने जो इसमें सब संयुक्त किसान मोर्चा के जुड़े हुए थे और जिनकी ताकत से ही मोदी सरकार को तीन कानून वापस लेने तक झुकाया है उन्होंने एक विश्वास से नहीं एक दिशा निर्शे दिया है और वो यही है कि केवल संसदीय राजनीति पर केवल चुनावी राजनीति पर आप नहीं आ, निर्भर रह सकते हैं आपको जन आंदोलनों की राजनीति को सशक्त करना पड़ेगा क्योंकि उसमें नीति होनी चाहिए और उसमें लोकराज होना चाहिए तो ही लोकतंत्र बचेगा संविधान बचेगा संविधान के एक एक अनुच्छेद दो जैसे को आप अगर देखेंगे जो थोड़े देर से जुड़ गया अनुच्छेद है तिहत्तरवा और चौराहत्तरवा संशोधन जो उन्नीस में हुआ लेकिन उसमें भी यही है कि छोटी से छोटी इकाई से ही विकास का नियोजन होना चाहिए छोटी से छोटी इकाई को स्वतंत्रता होनी चाहिए स्वशासन की और ये सब खत्म करके केवल एक केंद्रीकरण विकास में ही नहीं राजनीति में जिसको फासिज्म कहा जाएगा हुकुमशाही कही जाएगी वो लाने वाली सरकार जब आज दिल्ली के तख्त पर बैठी है तब उनके सामने चुनौती खड़ी करना जन आंदोलनों की राजनीति का भी अपना अपना हिस्सा होता है पर विश्वास आज भी है जन आंदोलन की राजनीति पर ही नहीं जन आंदोलन की प्रक्रिया पर जन आंदोलन की संरचना पर समन्वय पर और जन आंदोलनों की व्यापक विचारधारा के नज़रिया और मंजिल पर भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेहता जी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका